ओम शांति, आप सबको स्वागत है। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 2 अक्टूबर के ईश्वरदान की, 2 अक्टूबर, जहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। अब ये जिम्मेवारी कोई बोझ नहीं है, लेकिन ये जिम्मेवारी ऐसी जिम्मेवारी जिसके कारण हमारा ही भला होता है, चाहे वो हमारे मेंटल इमोशनल भला हो रहा हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप में भला हो रहा हो, चाहे हमारी हेल्थ में भला हो रहा हो, ये सारी चीज़ें करने से हमारे को ही भला है। देखे वो चाहते हैं किस प्रकार का जिम्मेदारी हमें देना। तो परमात्मा कहते हैं कि जिम्मेदारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभकामना संपन्न भवा। अब इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। परमात्मा विस्तार में कहते हैं, आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। प्रकृति, ये शरीर जो है ना, ये भी प्रकृति है, इसके अंदर बीमारी है, उसको भी परिवर्तन आप कर सकते हो, आपके अंदर ताकत है इतनी। और साथ ही साथ और मनुष्य आत्मा को भी आप शांत कर सकते हो, उनके मन को शांत, उनकी बुद्धि को शांत कर सकते हो, सही दिशा दिखा सकते हो, इतनी ताकत है हमारे पास में। आगे एक्सप्लोर करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति, मतलब एटीट्यूड, शुभ भावना शुभकामना से संपन्न। सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा भला हो जाए, शुभ भावना शुभकामना अपने लिए रखते हैं, औरों के लिए, औरों की सेहत अच्छी हो जाए, चाहे उसने आपकी बिगाड़ी हो, और की धन संपत्ति आ जाए जीवन में, चाहे उसने आपका बिगाड़ा हो, औरों के संबंध मीठे हो जाए, चाहे उसने आपके बिगाड़े हों, कर सकते हैं इतना। बहुत ताकत चाहिए, प्योरिटी चाहिए इसके लिए, लेकिन इसमें फायदे आपका है, और आप अपने आप को हल्का करके आगे बढ़ते रहेंगे, आपके खुद की चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये सीक्रेट है। औरों के लिए दुआ करो, अपने लिए ही दुआ बन जाती है। फिर परमात्मा कहते हैं कि जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सोचिए जरा, आपने उनके लिए शुभ भावनाएं रखी, आपने उनके लिए शुभकामनाएं रखी, आपने सतो प्रधान संकल्प करे, जो कि बहुत शक्तिशाली संकल्प होते हैं। सतो, सतो मीन्स सत्य, प्रधान मीन्स ऊंचा, एकदम एक्सट्रीम प्योर। उसने आपको कुछ भी बिगाड़ दिया, लेकिन आपके मन में उसके प्रति कुछ घृणा नफरत कुछ भी नहीं है, आप लंबा जी पाओगे। लेकिन जिसने आपके साथ किया है, उसको अगर आप शुभ भावना शुभकामना देते हो, तो वो भी, उसकी भी उम्र बढ़ जाती है, उसको रियलाइज होता है एक समय के पास बाद में जाकर कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया। हर किसी को रियलाइज होता है, हर किसी के अंदर एक आत्मा कॉन्शियसनेस है, और हर किसी को फील होता है, चाहे उसने बुरा किया हो आपके सामने, उसको फील होता है। लेकिन हाँ, वो परवश हैं, उनके अंदर ताकत नहीं उनके अंदर कि वो उसको फेस कर पाए कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं और मैं औरों को बुरा करता हूँ या करती हूँ। आप उनको जब शुभ भावना शुभकामना देते हैं, तो उनको रियलाइजेशन होता है, उनके अंदर ताकत आती है अपने आप को चेंज करने की। ये ताकत आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको कोसते रहेंगे, अगर आप उनको बुरा भला कहते रहेंगे कि यही ऐसा इंसान है, कभी चेंज नहीं होगा, तो वो आत्मा कभी चेंज नहीं होती है। आपकी भी शक्ति जाती है, आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर कोसने का आ गया। आप कोस रहे हैं, उनको बद्दुआएं दे रहे हैं, तो आप कहाँ से चेंज हुए, आप भी तो उस जैसे हो गए। तो परमात्मा कहते हैं कि बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। अलबेलापन नहीं होना चाहिए, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, नहीं। और वृत्ति, एटीट्यूड साधारण नहीं होना चाहिए, बहुत ही आपका पवित्र, बहुत ऊंचा एटीट्यूड कि अभी के अभी मैं रेडी हूँ उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना क्रिएट करने के लिए। जिसने कर लिया, वो आगे बढ़ गया, वो अपनी नज़र में आगे बढ़ गया, परमात्मा की नज़र में आगे बढ़ गया, और औरों की नज़र में भी आगे बढ़ गया। जिसने सोचा मैं क्यों करूँ, मैंने नहीं गलत किया, उसने गलत किया, उसको चेंज होना पड़ेगा, बस वो वहीं का वहीं रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा। इसके साथ ओम शांति।